नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बुलिश रिवर्सल ट्रेड सेटअप के बारे में बताने वाले चार्ट पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग के बारे में। हम देखेंगे कि इसको कैसे पहचाना जाता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और वहां पे हमें कौन सा पैटर्न देखना चाहिए या कौन सा कैंडल देखना चाहिए जो हमें बताता है कि वहां से अब ट्रेंड शुरू होने वाला है, और उससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको किस तरह से हम ट्रेड ले कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम लॉस हो। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहली बात आपको देखना चाहिए कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए चार्ट पैटर्न। दूसरी बात, ये दो कैंडल से मिलके पैटर्न बनता है। पहला कैंडल एक बेयरिश कैंडल होना चाहिए और जो सेकेंड कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। तीसरी बात, जो बुलिश कैंडल है पहले बेयरिश कैंडल को पूरा एंगल्फ कर जाना चाहिए या पूरा निगल जाना चाहिए, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। यहाँ आपको एक बात और नोट करना चाहिए कि जो बुलिश एंगल्फिंग का ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है वो उसके प्रीवियस बेयरिश कैंडल का जो बॉडी है उसको पूरा एंगल्फ करना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सेकेंड कैंडल है ग्रीन वाला, उसका ओपन प्राइस उसका प्रीवियस बेयरिश कैंडल का जो क्लोज प्राइस होगा उससे नीचे होना चाहिए, और जो ग्रीन कैंडल का क्लोज प्राइस है वो इसके प्रीवियस बेयरिश कैंडल का जो ओपन प्राइस है उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें क्या बताता है। तो उसका जो पहला बेयरिश कैंडल होता है वो बताता है कि मार्केट में पहले सेलर्स हावी थे, यानी कि ज्यादा सेलर्स थे, इसलिए प्राइस ऊपर तो खुला लेकिन नीचे जाके क्लोज हुआ। लेकिन उसके बाद जो बुलिश कैंडल होता है वो हमें बताता है कि मार्केट पहले नीचे तो था, पहले सेलर हावी थे, लेकिन अभी जो बायर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सेलर्स, और इसलिए प्राइस नीचे तो खुला लेकिन वो इतने बायर्स थे कि प्राइस को ऊपर ले जाके जो पहला बेयरिश कैंडल था उससे काफी ऊपर क्लोज हुआ। तो ये मार्केट में जो बुल है या फिर जो बायर्स है उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि जो बेयरिश ट्रेंड था वो खत्म हो गया, अब बुल ज्यादा हेवी बाइंग कर रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो यहाँ से जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो चेंज होकर यहाँ से अब ट्रेंड होने वाला है, तो आप वहां पे अपना पोजिशन बना सकते हो। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जब भी हमें एंगल्फिंग बुलिश कैंडल मिलता है तो क्या वाकई मार्केट वहां से ऊपर जाता है। तो मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए investing.com पे एक्सिस बैंक का जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसको ओपन किया है। investing.com आपको वहां पे नोटिफिकेशन भी देता है, इंडिकेटर भी देता है कि यहां पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। जैसे यहां पे जब पी मतलब पैटर्न, यहां पे आप देख सकते हो कि आपको एक एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं क्या ये एक्चुअली है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या पैटर्न। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट था एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये दो कैंडल से मिलके बनता है, पहला बेयरिश कैंडल होना चाहिए यहाँ पर है। नेक्स्ट था कि जो बुलिश कैंडल है उसका ओपनिंग प्रीवियस बेयरिश कैंडल का क्लोज से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर है, और जो बुलिश कैंडल का क्लोज होना चाहिए वो प्रीवियस बेयरिश कैंडल का ऊपर होना चाहिए, वो भी है। तो ये हमारा एक परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट कितना ऊपर गया है। तो यहाँ से अगर आपने किसी ने शेयर खरीदा रखा और स्विंग ट्रेड के लिए आपने यहाँ पे रखा है, तो इतने दिनों के बाद आपने बेचा, तो आपने कितने में खरीदा था, 537 रुपये में, और आप कितने में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, 650 के प्लस में। तो ये रही स्विंग ट्रेड में बुलिश एंगल्फिंग का यूज करने का। इसी तरह से आप इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट के चार्ट पे या फिर 30 मिनट के चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न देख सकते हो उस कैंडल के चार्ट पे, और वहां पे आप अपना एक ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं हम लोग कि और भी कोई एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बनता है तो वहां से मार्केट अप जाता है या नहीं। तो यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड मिला है, लेकिन ये जो पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, दूसरा पैटर्न है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। और एक देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी देखो एक डाउन ट्रेंड हमें मिला, उसके बाद एक यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल है जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ के बाद भी मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर गया है।
इसी तरह से और थोड़ा पीछे हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे एक रेड कैंडल है, और नेक्स्ट जो एंगल्फिंग बुलिश कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज था उससे नीचे ओपन हुआ था, और इसका जो क्लोज है प्रीवियस कैंडल का क्लोज से ऊपर क्लोज हुआ है, और उसके बाद ये जो कैंडल यहाँ तक आपको अप ट्रेंड दिया था। तो आप अगर यहाँ पे बाय किए रहते शेयर को तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे और प्रॉफिट बना सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।